नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत करछु मु स्मृति लग्ना प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे महांगा डबल मर्डर मामला मंत्री प्रताप जेना को खसाई देबा को उद्यम चार्जशीट रो मंत्री को ना हटाइबा घटना को कांग्रेस रो विरोध सपोर्ट घटना रो फरार विजय बराल पाउछंते सरकारी दरबा राज्यकनिकारे तीव्र हेबारे लागिछि आंदोलन प्रस्तावित पानीय जल प्रकल्प को स्थानीय लोकंक विरोध आज घटनास्थल परिदर्शन करिबे पूर्वतन मंत्री विजय महापात्र और राजनगर पूर्वतन विधायक अंशुमान महांति स्थानीय लोकंक सह करिबे आलोचना चिंता बढ़ाउछि मृत्यु संख्या आज आउ 66 मुंड नेला कोरोना राज्य रे कोरोना जनित मृत्यु संख्या 6823 को वृद्धि 24 घंटे 1132 नुआ आक्रांत खोर्धारु सर्वाधिक 410 कटकु 197 चिन्हट आज प्रकाश पाइब प्लस टू कला और धंदामूलक परीक्षाफल अपेक्षा 2 लाख रु अधिक छात्र छात्री दशम श्रेणी में रखिथिबा मार्क और युक्त 2 विषय सह मैपिंग आधार रिजल्ट दिनक परे स्वाधीनता दिवस देशवासी को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री अभिभाषण पर नागरिकों ठू मागिले परामर्श आज दिन 11:45 सुधा दे पारे मतामत आपण मत भी हो पारे मोदी अभिभाषण अंश देश पालुछि अखंड भारत दिवस आज दिन में भारत को करा विभाजन मुस्लिम लीग्र दावी को तत्कालीन कांग्रेस देखा समर्थन भारत मातार शरीर को काटी तैयारी होता पाकिस्तान एवं आदिवासी अंचल रे सरकारी स्कूल रो असल चित्र प्राथमिक विद्यालय रे पिलांक थारो आदाय होछि टंका नामलेखा आवास पत्र किणा पई टंका मागुछंती प्रधान शिक्षक सेपटे सबु जानी सुनी मुह खोलु नहंती जिला शिक्षा अधिकारी बहुचर्चित महंगा डबल मर्डर मामलें मंत्री प्रताप जेना को खसाई देवाक उद्यम हो चार्जसीट्रु मंत्री ना हटा घटना को कांग्रेस करिछि विरोध जनवरी 2 रे बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल को हत्या करा जाइतिला एने महंगा थाना रे एतला देथिले कुलमणि पुओ रमाकांत बराल जोथरे मंत्री प्रताप जेना समेत 13 जन ना थिला चार्जसीट्रु मंत्री ना किए आई हटाला ता बड़ प्रश्न सृष्टि करपटे एफआईआर में ना थी जलसंपद विभाग कर्मचारी विजय बराल एवं फेरार अच्छा किंतु एवं अकाउंट को दरमा आसुवा अभियोग कांग्रेस मंत्री ना तुरंत चार्जसीट्रे रखा सह पुनः तदंत कर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने महंगा कांग्रेस पक्ष सालेपुर एसडीपीओ को दावीपत्र प्रदान कर बाबद्र अधिक सूचना पाई कटक प्रतिनिधि इमरान खान फोन लाइन में जोड़ी होती इमरान सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जो मंत्री प्रताप जेना संपृक्त अच्छा एवं ये जो डबल मर्डर घटना रे तांकर ऊपर जो दोष लगी खसैवा उद्यम कर चार्जसीट्रु तांकर ना मिटेवा उद्यम कर पछरे षड्यंत्र अच्छे निश्चय एवं किए कहीं एमती करी आलोचना हो देखु जो भाव में आज जानते बहुत चर्चित महांगा डबल मर्डर घटना को बर्तमान पाखापाखी 8 मास बीती एपर्त जो 13 जन ना एफआईआर दीजिए भितर 10 जन गिरफ होती आन जन फेरार होते भितर जन अच्छा मंत्री प्रताप जेना ना सामिल था कि पुलिस जो चार्जसीट दाखल करती चार्जसीट में मंत्री ना हटे दी जाएगी जहां नहीं कि कांग्रेस महांगा कांग्रेस पक्ष तीव्र विरोध कर किदिन पूर्व कटक ग्रामांचल एसपी कार्यालय से दावीपत्र देते कि मंत्री प्रताप जेना ना को पुनर्व चार्जसीट में सामिल करदंत परिसरभुक्त करा सहित किसी दिन पूर्व अर्थात 2 दिन पूर्व पुणी थे महांगा कांग्रेस पक्ष सालेपुर एसडीपीओ कार्यालय से जाते हैं अतिरिक्त एसपी को एक दावीपत्र पुनर्व से दावी सामान दावी करते मंत्री प्रताप जेना ना को पुनर्व सामिल करदंत परिसरभुक्त कर जो कल डिटेल रेकर्ड रही जांच करना पड़ जा प्रकृत में यो महांगा डबल मर्डर घटन संपत्ति अच्छी ना
ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗଟି ହେଉଛି ଯେ ବିଜୟ କୁମାର ବରାଳ, ଯିଏକି ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର କପିର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ଅଛି, ସେ ଏବେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଳସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମେଡିକାଲ କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଏବେ ବି ଅଧା ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମୃତ ଯୋଉ ଆମର ମୃତକଙ୍କ ଉପଜିର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ, ସେ ଏକ ଚିଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି ଜଣେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଇମ୍ରାନ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି, ତା ପଛରେ କୋଠି ନା କୋଠି ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଇନର ଗଳାବାଟ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେମିତି ନିଜ ନାଁ ହଟାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରତ୍ନା, ଏଇଟା କେବଳ ମହାଙ୍ଗ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ୟା ପୂର୍ବ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2018 ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି 2014 ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେତିକି ସବୁ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ହତ୍ୟାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ହିଁ ଏସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀମାନେ ଜୋରଦାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଘେରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପୁନଃ ତଦନ୍ତର ଦାବି ହେଉଛି, ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାହାଙ୍ଗା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସାଲେପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଖବର ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ରାଜନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 24 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଭାତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏସ୍ପି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଜାରି ରହିବ, ଅପରପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଦେଖିବା ଏବଂ ସ୍ଥିତି କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ସମାନ ଘଟଣା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କହିବା ପୋଲିସର ପ୍ରଥମେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଥିଲା। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ଘଟଣା ରହିଛି, ଆଜିର ଘଟଣା ପୁରା ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ସମାନ ଘଟଣା ଯୋଉ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛି ପୋଲିସ, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି ରାତି ଅଧରେ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ, 24 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ପୋଲିସ ନାଲି ଆଖି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପୋଲିସ ରାତାରାତି ଉଠେଇ ନେଇଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତ କହିବାନି, ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା। ତେବେ କହିବା ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କାଲି କିଭଳି ହାଲା ମୋଲ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ପୋଲିସର ଯୋଉ ପାରିବା ପଣିଆ ଯୋଉ 31 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଯୋଉ ଗାଁ ଏବଂ ଗଳି ସାହିରେ ପୁରା ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଛି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଲାଇଭରେ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କାଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ କରିନି, ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଜନତା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା।
तबे आज जो स्थिति रही प्रेस मिट कर विजय महापुर आसुचार वरिष्ठ बीजेपी नेता तेरे गोटे स्थिति निश्चित भाव गोटे प्रशासन स्तर कौन गोटे प्रकार समाधान बाट खोजिपे साधारण जनता गोटे चाह बस जो रही आंदोलनकारी जो रही खरस्रोता बंचा समितर आंदोलनकारी बर्तमान जदि कदा अनेक व्यक्ति पुलिस आक्रमण शिकार होती पुलिस नाली आखिरे बर्तमान अनेक व्यक्ति लुकायत अवस्था अच्छा निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना रिपोर्टर अधिक सूचना दौले प्रभात लेंका राजनगर पूर्वतन विधायक साधारण जनता समस्या नेता बुझे ए सब कथा सामना को आसुची किंतु जेभली भाव लगातार भाव में प्रकल्प को लेकिन स्थानीय लोक एवं पुलिस मुहांमुही होती गोटे पक्ष पुलिस कहि बा एसपी कहते जे प्रकल्प कम कौन से मत जारी रहा अपरपक्ष लोक कहते देह मटी मिशिजी कि प्रकल्प होगा दबुना ए लड़े जारी रहा टंका दियो बिजु पक्का घर नियो एक कथा आम कहूनु कहते खोद राजघर पोखरी पंचायत पीओ सुकांति दास गोटे घर पिछा 2000 टंका टिके नजर पकांतो वीडियो उपरे प्रकृत हिताधिकारी सह किभली डील करुछंति पीओ मैडम कहते टंका देबा नेबा सिक्रेट रखिब कहा को किछि जणाइबो नाही टंका अकाउंट को आसला परे मो कथा टिके बुझी देबो तालिकार प्रकृत हिताधिकारी नाम काटी एभली चालिछि घर जोगाण टंका नदेले घर मिलु नाही अधिक सूचना प्रतिनिधि संतोष जेना अच्छा संतोष पीओ मैडम जो ऑडियो वायरल होती गोटे कथा शुणा को मिली कथा क्या जनइबो ना टा दि घर नि किंतु एक कथा तो वर्तमान राज्य सारा लोक देखुचंती किभळे भावरे डील चालिछि देखो निस्ता स्मृति लग्ना ये घटना होची एबेर न ये होची लगातार भावरे प्रत्येक पंचायत रे प्रत्येक निर्वाचन मंडली रे प्रत्येक ब्लॉक रे प्रत्येक जिला रे यदि कहिबा राज्य व्यापी ये घटना चालिछि एवं कथा रहउछि जे ये घटना केबे लोकक सामना कासु जे देखंतु जणे पीओ अर्थात जणे चतुर्थ श्रेणी रो कर्मचारी जेतेबेले मालेमाल होती जानते एमती कौन सी पीओ निये कोटिपति अर्थात कोटे टकर कम टा थी जो कथा कहला से विजु पक्का घर हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो ये सब हिसाब किताब रे चले अर्थात लोकंर गरीब हिसाब किताब रे चले ये सब दलय आधार रे चले टा पैसा आधार रे चले अर्थात ये मैडम जमी कहते टा दि सुकांति दास जे रही राजगढ़ पोखरी अर्थात वासुदेवपुर निर्वाचन मंडली राजगढ़ पोखरी पंचायत पीओ सुकांति दास मैडम जिते खुलम खुला कहते क्या किसी जनावनी घर घर बाटे आसो घर तुम पाइब कि पैसा कथा तुम बुझीदेव ये रेगुलर घटना जो लोके रेकर्डिंग करे कौन गणमाध्यम प्रतिनिधि भी या रेकर्डिंग करना ये अत्याचार जिते लोक सहित होरब मान सहित हो सरकार देखा घर सरकार सरकार सुविधा ये सब जिन टा द्वारा नेण देण करने पड़ी निहत भाव में ये कथ फाइव टी और मो सरकार उपरको अंगु निर्देश करुच्च और विशेषकर पंचायत राज विभाग राज्य में जो भाव में बद भर को आसूच एवं एक कथा कहुची जे पंचायत राज विभाग पूरा दुर्नीतिग्रस्त एवं एक कथा मध्यम आम पूरा स्पष्ट भाव में पार जे घर ठू नहीं एमती सरकारी सुविधा सब पर्यंत ये वीडियो पूरा स्पष्ट भाव में बयान करुच्च जे ग्राउंड जीरो रे लोके कि भाव में घर पाँच घर पाइबा टंका देवा पड़ी कि नहीं संतोष ये राज्य गोटे घटना नुह बारंबार एमती घटना आम देखा पाच जो लाच कारबार सामना को आसुची जो पीसी कथा सामना को आसुची जो जी योग्य से पाइबार वंचित होती जी अयोग्य प्राथमिकता दि तापर भी सरकार कहते आम फाइव टी सरकार आम ट्रांसपेरेंसी सरकार देखो ये गोटे वीडियो नुह एमती सरकारी कर्मचारी खुलम खुला लांच मांगा पीसी कारबार होगा भावंतु जो गोटे पंचायत पीओ घर करने टा मगुच्छे गरीब लोकटे पीओ मैडम को 2000 टंका दबो तापर जीआरएस को टंका दबो पुणी ब्लॉक रे टंका दबो सरपंच को टंका दबो वार्ड मेंबर को टंका दबो समिति सभ्य को टंका दबो ताले तांकु केते टंका खर्च करिया को पड़ुथबो पक्का घर पई जदि लखे केते टंका आसुची ताले एई बाटरे तांकु केते टंका जाउथबो एवं किछि भी लोक अछंती जो माने घर मुफत रे पाउछंती कार भेंडिया पुओ पाइलानी तो काओ घरे मा पाउछि पुनी पुओ निश्चित भाबरे एवं ए कथा मध्य देखिया को मिलुछि दलीय भितरे प्राथमिकता मिलुछि जदि आपण बिजु जनता दल रो तेबे आपण को मिलुछि प्रायोरिटी जा निश्चित भाबरे एक निंदनीय कथा बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना पई संतोष जेना भुवनेश्वर प्रतिनिधि अधिक अपडेट दउथले समय छोटो ब्रेक रो ब्रेक पर देखिबा राज्य रे कौन रही कोरोना स्टेटस
राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या रे ब्रेक लागू नाही। आज आउ 66 जीवन नेछि कोरोना महामारी लगातार भाव में मृत्यु संख्या 60 ऊपर रहुतबा बले आ राज्य रे मोट मृत्यु संख्या 6823 को वृद्धि पाइछि। सेभले गत 24 घंटा रे 1132 नुवा मामला 657 जन क्वारंटाइन में चिन्हट होता बेले लोकल केस 475 खोर्धार सर्वाधिक 410 पॉजिटिव चिन्हट। से भाव में कटक 197 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट। आज प्रकाश पाइब प्लस टू कला और धंदामूलक परीक्षाफल दिन गोटाए रिजल्ट बाहर एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्ष सूचना www.odisharesults.nic.in रिजल्ट उपलब्ध हो। कोरोना चलित बर्ष परीक्षा बातिल होता एथर बिना परीक्षार रिजल्ट ए बाबद अधिक सूचना सतरूपा सामंतराय भुवनेश्वर प्रतिनिधि फोनलाइन में जोड़ी होती। सतरूपा आज प्रकाश पाइब प्लस टू कला और धंदामूलक परीक्षाफल आपड़ जानते एथर बिना परीक्षार रिजल्ट उपलब्ध हो। परवर्त समय एक सामना को आसब छात्र छात्री कौन प्रतिक्रिया दौरान कौन अपडेट आस देखु स्मृति लग्न आज युक्त दुई कला एवं धंदामूलक रिजल्ट बाहर को जाऊँगी दिन गोटाए बेले रिजल्ट बाहर बोली सीएचएससी पक्षर सूचना दि जाएगी। ओडिशा रिजल्ट डट एनआईसी डट इन वेबसाइट रे परीक्षा फल प्रकाश पाइब। एटारे देखु स्मृति लग्न धंदामूलक 7000 अधिक छात्र छात्री बेले युक्त दुई कला जो छात्र छात्री मान संख्या 2 लक्ष रु अधिक रही गत जो रही जुलाई 31 रे वाणिज्य और कलार फल प्रकाश पाई आज धंदामूलक गत 31 तारीख में विज्ञान और जो रही जो वाणिज्य रिजल्ट बाहरी आज जो रही धंदामूलक परीक्षार जो रिजल्ट बाहर और युक्त दुई कलार रिजल्ट बाहर किंतु सब बड़ कथा है गोटे जिनस फोकस रेहेतु कि चलित बर्ष कोविड जिते परीक्षा ही ना कोविड रे बिना परीक्षार छात्र छात्री मैंने बिना परीक्षा रे समाने समस्ते केमिति रिजल्ट करिवे केमिति मार्किंग हेथिबो ताकु नै कि समस्ते वर्तमान द्वंद्व रे अछंती कारण वर्तमान रिजल्ट बाहरी नै दिन गोटाए को अपेक्षा रहिछि कि भली भावरे टेबुलेशन हेथिबो छात्र छात्री केते मार्क सिक्योर करथिबे एवं बिना परीक्षा रे जेहेतु कि एथर रिजल्ट बाहरुछि सबुठारु बड कथा बड फोकस रे ताहा रहिबो एवं गणशिक्षा विभाग पई मध्ये एक बड चैलेंज कारण पूर्वरु आमे अनेक थरो देखिछे मैट्रिक रिजल्ट कथा कोहंतु बा युक्त दुई जितेबले विज्ञान रे रिजल्ट बाहरी छात्र छात्री को भितर एक प्रबल असंतोष देखा मिलता जी जी की मार्क सिक्योर करती मार्क सिक्योर करवर्त समय से अलग व्यवस्था करी कि आउ थे परीक्षा दे पारे छात्र छात्री मैंने जो मैंने संतुष्ट नहांती किंतु एवं सबुठ बड़ प्रश्न हूँ युक्त दुई कलार रिजल्ट बाहर कलार पखापाखि 2 लक्ष रु अधिक छात्र छात्री रही तो 2 लक्ष रु अधिक छात्र छात्री किभली भाव में मार्क सिक्योर करेंगे केमी प्राक्टिकाल मार्क दिहाइव केमी थ्योरी पेपर में मार्क ए सब को नहीं कि एक बड़ चिंता रे वर्तमान छात्र छात्री अछंती माउ मात्र किछि घंटार अपेक्षा दिन गोटाए बेले आज रिजल्ट बाहर जो वेबसाइट रही www.odisharesults.nic.in रे तांकर समस्तंकर रिजल्ट बाहर एवं जो रही गत जुलाई 31 रे रिजल्ट पूर्वर बाहरी सारी वाणिज्य और विज्ञान फल बाहरी सारी आज युक्त दुई कला और धंदामूलक कला और धंदामूलक रिजल्ट बाहर नजर रहा सतरूपा जे पिला प्रतिक्रिया कौन रही केते मात्रा रे संतुष्टि प्रकाश करुछंति। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अपडेट पाए। मैट्रिक पर प्लस टू परीक्षा रे आसिबो संस्कार वर्षक 2 बोर्ड परीक्षा सहित हेब इंटरनल आसेसमेंट स्वच्छता पाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद यहाँ मॉनिटर करिबो। प्रथम वर्ष परीक्षार रेकर्ड मध्य रहिबो प्रति परीक्षा परे परिषद पोर्टल रे मार्क अपलोड करा जिबो। कॉलेज पिलांकर परीक्षा प्रदर्शन डाटा को रेकर्ड करी रखा जिबो। चलित वर्ष कोरोना पई युक्त दुई मूल्यायन सबुठारु बेसी प्रभावित हेबा परे गणशिक्षा विभाग पक्षरु एने आरंभ होई जैछि कसरत। खूब शीघ्र यार रूपरेख प्रस्तुत करी विज्ञप्ति प्रकाश करने जाऊँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ए दिगरे कार्य आरंभ हो तेबे भविष्य महामारी जो परीक्षा बातिल हेले भी कॉलेज और परिषद पाखे पिलांकर प्रदर्शन तथ्य रहिबा सीबीएसई भली पिलांको आसेस करिबा मध्य सहज हेबा। दिनक परे देश पालिबो 75तम स्वाधीनता दिवस। ए अवसर रे लाल किल्लारु अभिभाषण रखिबे प्रधानमंत्री।
स्वाधीनता दिवस भाषण पर सीधासलख नागरिकों ठार धारणा व परामर्श से आमंत्रण कर देशर प्रत्येक नागरिक निजर विचार रखिपारे जहां प्रधानमंत्री स्वाधीनता दिवस अभिभाषण एक अंश होगा। प्रधानमंत्री स्वाधीनता दिवस भाषण पर नागरिकों ठार न्यू इंडिया परामर्श लोड़ी जो कौन से परामर्श व विचार देवाई चाहती से आज पूर्वाह 11:45 सुधा देपारे कह सेप्टेम्बर 6 आरंभ हो ओजे परीक्षा तेज सेप्टेम्बर 18 तारीख जाए चलू परीक्षा प्रतिदिन तीनोटी सिफ्ट हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम परीक्षा हो परीक्षा नहीं ओजे पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई सका 9:00-11:00 पर्यंत प्रथम सिफ्ट 12:30-2:30 पर्यंत द्वितीय तृतीय सिफ्ट 4:00-6:00 पर्यंत ओजेर ऑफिशियल वेबसाइट www.oje.nic.in www.odisha.jee.com परीक्षा सिफ्ट संपूर्ण कार्यसूची दिया जाए एडमिट कार्ड इत्यादि परीक्षा एवं डाउनलोड पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रणाली बा एसओपी विषय में सूचना पर दिजाबी कह किसी खबर देखा किंतु ब्रेक पर भोटरों द्वारा निर्वाचित हे पौर एवं महानगर निगम अध्यक्ष एने गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पूर्व काउनसिलर मैंने अध्यक्ष को निर्वाचित करते पौरपालिका नियम 1994 संशोधन पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नगर उन्नयन विभाग पक्ष जारी रही मासे भितर नगर उन्नयन सचिवों निकट में अभियोग करहब प्रस्तावित संशोधन में अध्यक्ष और मेयर को निर्वाचित करेंगे लोके एणिकी सीधासख भोट दे अध्यक्ष और मेयर को निर्वाचित करें लोक संकटरे राज्यर 60 ट्रांसफर्मर यूनिट और सेथिरे काम करथुबा 5000 रु अधिक लोकों जीविका टेंडर रे भाग नेबाकु सुजोग मिलुनी विद्युत बंटन व्यवस्था को अधिग्रहण करबा पर टाटा पावर एक पाख्या नीति जोगु आउ टेंडर पाउनाहंती संस्थागुडिक पाखरे बीआईएस बीईई आईएसओ फळी मान्यता थिले मध्य समान को वेंडर भावरे विचार करा जाउ नाही तबे टाटा पावर जानी सुनी एभळी टालटुल नीति प्रस्तुत करथु अभियोग होईछि घटना रे चिंता प्रकाश करिछंती ओडिसा क्षुद्र व मध्यम शिल्प संघर संपादक सात्विक स्वाई से भले टाटा पावर राज्यर प्रोक्यूरमेंट नीति को पालन करूनथबा कहिछंती ओडिसा ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन सभापति शारदा प्रसन्न दास जहाद्वारा राज्य विपुल राजस्व हर तेणु राज्य सरकार तुरंत हस्तक्षेप करने से अनुरोध कर राज्य बीजेपी प्रथम साधारण संपादक श्री देवेन्द्र महापात्र परलोक होती शुक्रवार संध्या भुवनेश्वर स्थित बासभवन में देहांत राज्य बीजेपी सभापति समीर महांति राज्य साधारण संपादक मानस महांति पूर्वतन मंत्री प्रसन्न कुमार मिश्र वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार शर्मा राज्य मुखपात्र सुदीप्त राय महिला मोर्चा राज्य सभानेत्री स्मृति पटनायक प्रमुख अंतिम दर्शन करने श्रद्धांजलि ज्ञापन कर एथसहित शोक संतप्त परिवार सदस्य व बंधुजन को समवेदना जनाइछन्ति बुलेटिन को एठकिबा विदाय दियंतु नमस्कार।